हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन की एक मज़ेदार ड्रिंक, वाटरमेलन मोहितो। पर इसे हम एक अलग ढंग से सर्व करेंगे, वो भी एक खाली वाटरमेलन पॉट में। सबसे पहले हम वाटरमेलन पॉट बनाएंगे। आप इस वाटरमेलन पॉट को किसी भी बर्थडे पार्टी या गेट टुगेदर में सेंटर पीस बना सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वाटरमेलन मोहितो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचे। सबसे पहले हम एक बड़ा वाटरमेलन यानी तरबूज लेंगे। यहाँ मैं 4 किलो का तरबूज ले रही हूँ। आप चाहें तो इससे बड़ा तरबूज भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ तरबूज को सपोर्ट देने के लिए एक बॉल का यूज़ किया है। आप चाहें तो गैस स्टोव के स्टैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम तरबूज को बॉल के ऊपर रख देंगे। और तरबूज के ऊपर के हिस्से को तेज चाकू से काट देंगे, ये देखिए। और इसके ऊपर के हिस्से को फेंकेंगे नहीं, ये बाद में ढकने के काम आएगा, इसे संभाल कर रख लेंगे। अब एक खाली बॉल लेंगे और एक बड़ी कड़छी या चम्मच की सहायता से आप इसे स्कूप आउट कर लेंगे। इसे पूरा खाली करना है अंदर तक, ये देखिए। ये देखिए सारा खाली हो चुका है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। अब हम वाटरमेलन का जूस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक मिक्सर जार लिया है और इसमें स्कूप किया हुआ वाटरमेलन डाल देंगे। बड़ा जार लेंगे ताकि एक ही बार में सब आ जाए। और इसमें डाल देंगे 20 से 25 फ्रेश धुले हुए पुदीने के पत्ते। और इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच चीनी। आप डाल देंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और 2 छोटे चम्मच जलजीरा पाउडर। मोहितो को हम थोड़ा इंडियन फ्लेवर देंगे। अब डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और इसका जूस निकाल लेंगे। ये देखिए पिस चुका है। एक बड़ी छन्नी ले लेंगे और इस जूस को धीरे धीरे करके छान लेंगे। इसमें सारे फ्लेवर्स आ गए हैं। इसको हिलाते हुए देखिए सारा ये छन चुका है। यहाँ वाटरमेलन को सुंदर बनाने के लिए हम इस पर कार्विंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पेंसिल से इसके ऊपर वाटरमेलन मोहितो लिखा है, ये देखिए। अगर आप ये बच्चों से करवाएंगे तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। अब एक स्क्रू ड्राइवर लेकर हम इसे अच्छी तरह से लिख देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ मैंने एक नल लिया है जिसे हम वाटरमेलन में फिट करेंगे।
इसका पीछे का नट खोल लेंगे। देखिए, जहाँ हमें नल लगाना है वहाँ पहले हम एक मार्क बना लेंगे और किसी नुकीली चीज़ से एक होल बना देंगे। होल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लीक करेगा और नल अच्छी तरह से फिट नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से ही बनाएंगे। ये देखिए, अब ये इजीली अंदर चला गया है, ये नल लग चुका है और इसे अंदर से भी हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि ये लीक ना करे। तो ये हमारा बन गया है वाटरमेलन मटका। आप ये नल मार्केट में कहीं से भी आसानी से ले सकते हैं, या मटका बेचने वालों के पास भी होता है तो उनसे भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम वाटरमेलन में डालेंगे बनाया हुआ वाटरमेलन जूस जो हमने पहले बनाया था। अब इसमें डाल देंगे 5 से 6 नींबू का रस। और अब डाल देंगे आइस क्यूब्स 10 से 15। देखिए, और एंड में डाल देंगे सोडा। अगर आपके पास सोडा ना हो तो आप स्प्राइट भी डाल सकते हैं। और इसे ऊपर तक फिल कर देंगे। तो हमारा वाटरमेलन मोहितो बनकर तैयार है, चिल्ड रिफ्रेशिंग। और इसे एक बार हिला देंगे। जूस का ढक्कन हमने पहले रखा हुआ था, इसे भी ऊपर से लगा देंगे। और टूथपिक से सिक्योर कर देंगे, चाहे तो ऐसे भी ढक सकते हैं। ये देखिए, हमारा क्यूट सा वाटरमेलन पॉट बनकर तैयार है। अब हम वाटरमेलन पॉट को टेस्ट करेंगे। ये देखिए, मैं नल खोलती हूँ। ये देखिए, बढ़िया वाटरमेलन मोहितो निकल कर आ रहा है ग्लास में, कहीं से लीक नहीं हो रहा है। ये देखिए, एक ग्लास में और दिखाती हूँ। इसे बंद कर देंगे। और इसे गार्निश करेंगे वाटरमेलन स्कूप से। और एक एक मिंट लीव से। तो हमारा बढ़िया सा वाटरमेलन मोहितो बनकर तैयार है वाटरमेलन पॉट में। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।